यहाँ पे दिक्कत ये हो गई थी। अब चलो अब तो लग गया, होल ऊपर नीचे हो गए थे तो थोड़ा हमने एडजस्टमेंट करके उसको सही लगा दिया। और यहाँ पे दोनों साइड के डोर हैंडल बड़े कमाल के लग रहे हैं, है ना। देखो 4 से 5 दिन लगे हैं, अलमारी अब कंप्लीट हो गई, तो इसकी अंदर आप करते हैं जो भी अनबॉक्सिंग करते हैं ना वैसे करता हूँ मैं। और ये देखो पन्नी थोड़ी सी, इसको उतारना है क्योंकि ये वाली जो सनमाइका का है ना इस पे पन्नी आती है ऊपर, ठीक है। अब आएगी इसके असली लुक। देखो वीडियो वैसे तो लगभग ख़त्म होने वाली है, आप ये अनरैपिंग देख रहे हो, साथ के साथ मैं थोड़ा आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसका लकड़ी, ये जो मेरा अलमीरा बनाने का पूरा सामान वो आया था 9200-9300 के आसपास, ये सामान आया था इतने का। बाकी हमारी मेहनत है दोनों तीनों की, 4-5 दिन हमें लगे। और जो बोर्ड थे ना जो लेकर आया हूँ वो अच्छी ब्रांड के थे, 19mm मैंने यूज़ किया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो 5100 के तो बोर्ड थे खाली, 5100 के 5100 के तो बोर्ड थे खाली, बाकी सामान थोड़े बहुत ही था, बाकी लकड़ी में ये वुड इसका बोर्ड महंगा था। देखो अब मैं बता देता हूँ अलमारी में मैंने क्या क्या लगाया, कैसे बनाई, वो सब तो आपने देख ली, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं। बाहर से ही वाली सनमाइका लगी है, ये सनमाइका थोड़ी सी महंगी आती है 750 के आसपास, क्योंकि ये हाई ग्लोस की होती है। तो इसमें अगर ऐसे देखोगे ना तो इसके अंदर ग्लोस है, ये डोर हैंडल लगाया है, ये लॉक लगाया है, ठीक है। नॉर्मल वाली सनमाइका 350 की थी, अनलॉक किया, ठीक है। इसमें राइट वाला हमेशा डोर पहले खुलेगा, लेफ्ट वाला बाद में, क्योंकि लेफ्ट वाले में हाई ये ऑटोमेटिक चटकनी लगी है। राइट वाला दरवाज़ा जब इसे लग रहेगा ना तो ये चटकनी ऊपर इसमें चली जाएगी, और ये देखो, ठीक है, एक ही ऊपर लगी है, एक ये नीचे लगी है। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि खाली लॉक से दरवाजे नहीं रुकते हैं, चटकनी लगानी पड़ती है, आजकल ऑटोमेटिक आ गई है। ऊपर एक मैग्नेट लगी है ताकि ये जाके आवाज कर सके, इसको एज बेंडिंग टेप बोलते हैं, बॉर्डर पे लगाने के लिए। मेरे पास कम रह गई थी तो मैंने यहाँ पे सनमाइका लगा दी, ये जो बची हुई है ना बाहर, ये वाली पार्टीशन एक ऊपर है। पहले मैंने सोचा था कि ये और ये एक पार्टीशन में रखूंगा, यहाँ पे एक हैंगर वाला वो लगाऊंगा मैं पाइप, लेकिन वो मना कर दिया। तो ये नीचे इनकी सपोर्ट के लिए ये मैंने लगाया था कि वेट अगर रखा जाए, और ये स्क्रू से इनको टाइट कर दिया। ये देखो यार थोड़ा बहुत तो लगेगा, कभी ड्रिल लगी है, कभी बोर्ड लगे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पेंट उतर गया, इसके करेक्शन बाद में करूँगा। दो दो स्क्रू, दो दो एकदम स्टर्डी है, ये दूसरा हो गया। अब आता है नीचे ये लॉकर, ये लॉक अंदर की साइड से देख लो, इसकी चाबी इसी में है, चाबी देखो कितनी बढ़िया है। तो ये लगा के, ठीक है, ये डोर थोड़ा सा सारा, ये देखो ये अंदर बना दिया, ये इसके दो हिंज लगे हैं, इसमें भी लॉक और मैग्नेट, ये इसका लॉक और मैग्नेट मतलब, और इसमें दो स्क्रू ये रहे, दो ये रहे, ठीक है, अपना बंद कर दिया। एक पार्टीशन नीचे, एक उसके नीचे, ये तो ऐसा कुछ है। देख ले मम्मी जी एक बार, क्यों हो नुआ दियो, और बैठा देने एक जगह, लॉक दो बार घुमाएगा, जब दो बार ही घुमानी है हमेशा, जब लॉक करनी हो ना तो दो बार ही, और यो ही गेट हमेशा पहले खुले वो, ठीक है, वो नहीं उन कड़को से जोर लगा, मैग्नेट आऊंगा वो ऊपर देख ले, ठीक है, हाँ, सही है, ले एक बार ये और खोल ले लो, आई आई मैं चाबी
ये वाला हैंडल ठीक से भी हो। थोड़ा सी दरवाजा खोल के जब ठीक है नयान कट्टा कराओगे बिल्कुल सही है ठीक है।